कंज्यूम हो रहा है, इसके लिए जो यूजर है, इन्वेस्टर है, उसके ऊपर सारा बोझ आ रहा है। बिल्डर को तो अपना जब भी चाहेगा रेट बढ़ा लेगा, जो एंड यूजर है या इन्वेस्टर है उसके ऊपर खामखां की एक मार पड़ती है। अनुज बिल्कुल सही कह रहे हैं शरद जी, जो कॉस्टिंग निकालता है बिल्डर वो कस्टमर से ही निकालता है। हाँ। कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो कंज्यूमर को ही उठाना पड़ता है, जो कॉस्टिंग है वो उसे ही पे करनी पड़ती है, चाहे बिल्डर हो या सरकार हो। सरकार रेट बढ़ा देती है, उन्हें प्रॉब्लम्स होती है, जो 4 साल में घर मिलना होता है वो 2 साल में उनके अप्रूवल्स होते हैं, जो मुश्किल से 3-4 महीने में हो जाने चाहिए, उनकी वजह से दिक्कतें आती है। जो लाइजनिंग करते हैं, जो उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है, वो सारी कॉस्टिंग वो कस्टमर के फ्लैट से कॉस्ट निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ और गौतम जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार बात करेंगे फेस्टिव सीजन में इस बार क्या हुआ जो बायर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उन्होंने बायर्स ने इन्वेस्ट नहीं किया, इस बार ऐसा क्या हुआ, इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। इसमें टेस्ट है तंबाकू नहीं, आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आज ली क्या? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हाँ, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। दिवाली और नवरात्र आते ही रियल एस्टेट में डिस्काउंट की भरमार होना कोई नई बात नहीं है। डेवलपर्स तरह तरह के ऑफर्स देते हैं और अक्सर देखा गया है कि बायर्स इन ऑफर्स को पसंद भी करते हैं, लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात देखने को मिली है। इस बार बायर्स ने इन ऑफर्स को देखते हुए किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नवरात्र हो, दिवाली हो या फिर कोई फेस्टिवल, डेवलपर्स तरह तरह के ऑफर देना शुरू कर देते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि नवरात्र और दिवाली या फिर धनतेरस पर लोग फ्लैट या फिर दुकानों की बुकिंग कराते हैं, जिसको शुभ माना जाता है। इस मौके पर डेवलपर्स तरह तरह के ऑफर भी देते हैं, कोई टीवी, फ्रिज, एसी देता है तो कोई कैश डिस्काउंट। हमेशा से देखा गया है कि बायर्स इन ऑफर्स की तरफ आकर्षित भी हो जाते थे। लेकिन इस बार बायर्स ने इस ओर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इस बार रियल एस्टेट में दिवाली की धूम थोड़ी फीकी दिखाई दी। फेस्टिवल सीजन पे एक मीडिया हाइप जरूर होती है कि रियल एस्टेट की बहुत ज्यादा सेल फेस्टिव सीजन में होती है, बट मेरा पिछले 10 साल से ये एक्सपीरियंस है कि बहुत ज्यादा उस तरीके की सेल नहीं होती है, ग्रेजुअली स्लोली होती है, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज नहीं है कि आप जाकर एक मिठाई का डब्बा खरीद कर लाओगे। वो तो एक थॉटफुल प्रोसेस में आदमी रियल एस्टेट खरीदता है, फैमिली रियल एस्टेट खरीदती है और फेस्टिव सीजन में फैमिलीज बिजी होती हैं अपने उसमें। इस दिवाली और नवरात्र में लोगों ने अपना इंटरेस्ट कम दिखाया। फ्लैट न बिकने के पीछे का बड़ा कारण लगातार बढ़ती कीमत भी माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 के शुरुआत में देश में 1,88,00,000 मकान की कमी थी। 2007 से 2012 के बीच 1,79,00,000 मकान बने, जिनमें से करीब 62% यानी 1,07,00,000 मकान खाली पड़े हैं या उनमें ताले बंद हैं। कीमतें बहुत ऊंची होने से ग्राहक फ्लैट खरीदने की हिम्मत और साधन नहीं जुटा पा रहे और ज्यादातर कंपनियां बाजार टूटने के डर से दाम कम करने को तैयार नहीं। इन सब के बीच एक बात तो साफ है कि बायर्स ने फेस्टिव सीजन में मिलने वाले गिफ्ट और डिस्काउंट की ओर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया।
जिसकी उम्मीद लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ, हर बार की तुलना में इस बार किस तरह का रुझान देखने को मिला लोगों का? कोई स्कीम उनको पसंद नहीं आई, या फिर वाकई में जो रेट्स बढ़ रहे हैं लगातार फ्लैट के, उसकी वजह से इस बार थोड़ा कम देखने को मिला इनका इंटरेस्ट? अनुज, एक रीजन तो ये है ही कि रेट बढ़ने की वजह से लोग थोड़ा हट रहे हैं। बायर्स जो है वो डरे हुए हैं कि भाई इतना रेट है, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती उसमें। जो चीज आज नोएडा एक्सटेंशन में एक साल पहले 1900 रुपए के रेट पे मिल जाती थी, वो अब 3300 रुपए की हो गई है। हाँ। तो लोग, जो 25 लाख की चीज मिलती थी वो 50 लाख की हो जाएगी, तो थोड़ा सा सैलरी भी कहीं ना कहीं मैटर करती है, उनकी कॉस्टिंग उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। एक रीजन ये भी है कि भाई जो नोएडा एक्सटेंशन है, एनसीआर में जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसीज हैं, और इन पॉलिसीज को लेके लोग डरे हुए हैं कि भाई शुरू में तो मार्केटिंग इतनी हाइप करी जाती है कि भाई ये डेवलपमेंट हो रही है, ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बाद में हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, किसान हंगामा कर रहे हैं। इन चीजों से अब आदमी डर गया है कि भाई हम फ्लैट खरीदते हैं, हमारा सारा पैसा वहां जमा हो जाता है बिल्डर के पास, एंड में खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है, बिल्डर अपना समेट के बिस्तरा कहीं और स्टेट में चला जाता है, और सरकार केसेस लड़ती रहती है, सरकार चेंज हो जाती है। तो इन चीजों से इस बार आदमी डरा है, तो वो चाहता है कि वो सेफ जगह इन्वेस्टमेंट करे, जो उसकी, जहां पर उसकी पॉकेट अलाउ करे, जहां पर अप्रूवल। शरद जी के पास चलेंगे। शरद जी, यहां पर रियल एस्टेट इस बार ठंडा दिखाई दिया, जो फेस्टिव सीजन में हर बार बूम देखने को मिलता था वो नहीं देखने को मिला। देखो, जो फेस्टिव सीजन में अब की बार जो फ्लॉप शो हुआ है, इसके लिए बिल्डर में किसी एक्सटेंट तक रिस्पॉन्सिबल है। रीजन इज, जब एक रिलायबिलिटी डाउट में आ जाती है, जो इन्वेस्टर है, एंड यूजर है, उसे यही नहीं पता कि मुझे मकान कब मिलेगा, उसका पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉरफिट हो जाता है। इसे ऐसे जो दूसरा ने लुभावनी चीजें हैं कि एक फ्लैट लेंगे, उसे LCD देंगे, TV देंगे, या ये देंगे या फ्रिज देंगे, ये तो बड़ी घटिया पॉलिसी है। इसकी जगह अगर कोई और इनको फास्ट प्रोडक्शन करनी है या फास्ट सेल करनी है, इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से हम इसमें 5 साल की मेंटेनेंस फ्री करेंगे, या पार्किंग फ्री देंगे, क्लब की मेंबरशिप फ्री देंगे। ये क्या हो गया, खाने पीने की चीजें थोड़ी है। हाँ। कि आप एक लेंगे, साबुन की टिक्की फ्री मिलेगी, या मिठाई के डिब्बे के साथ बिस्कुट फ्री मिलेगा, ये तो बिल्कुल चीप पब्लिसिटी मार्केटिंग का स्टाइल है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जो भी बिल्डर है इस तरीके का हथकंडे अपना रहे हैं अपना माल बेचने के लिए, वो इसको बंद कर दें। और जो अगेंस्ट द कंज्यूमर प्रोडक्शन उसमें आता है, कंज्यूमर को चीट कर रहे हैं इस तरीके से करके, वो जो भी उन्हें अपनी तारीफ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की करें, और जो एक्स्ट्रा चीजें उसमें गिफ्ट में दे रहे हैं, सिर्फ लुभावनी चीजों से रियल स्टेट मार्केट में तो स्टेबिलिटी नहीं आने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद गौतम जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ सानी, मेरे सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो इस बार फेस्टिव सीजन की अगर बात करें, तो इस बार बूम देखने को नहीं मिला। जो लोग लुभावनी गिफ्ट बांटे जाते हैं, जो स्कीमें चलाई जाती हैं, कैश डिस्काउंट दिया जाता है, उस पर इस बार इंटरेस्ट नहीं दिखाया बायर्स ने। फिलहाल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। शेक पिएगा पर बनाए।